इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या बच्चे लोगों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत बच्चे लोगों, बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल की ऑडिट की क्लास में। मैं हूं आपका दोस्त, साथी और ऑडिट सब्जेक्ट का सारथी जयेश भंडारी। बच्चे लोगों कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, आ जाइए जल्दी जल्दी से बच्चे लोगों, जल्दी जल्दी से आइए। सुबह हमारी मुलाकात वैसे तो प्लस कोर्स वालों के साथ में हो चुकी है, लेकिन ये हमारी खास मुलाकात है हमारे YouTube के साथियों के लिए, साथियों के साथ और जो हमसे जुड़ते हैं Unacademy के लर्निंग ऐप पर भी। तो बच्चे लोगों आ जाओ जल्दी जल्दी से, फटाफट से आ जाओ, ताकि हम लोग शुरू करेंगे आज का हमारा काम, जिसमें हम लोग बच्चों बात करते हैं हमारी केस बेस्ड MCQs के ऊपर जो दिए हैं ICAI ने, उन पर हमारी चल रही है लगातार बातचीत। नितिशा गुड इवनिंग, श्रद्धा गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग यश। श्रद्धा बच्चे कैसे हो, तबीयत कैसी है अभी तुम्हारी? अनिशा सुसंध्या बच्चे, सुसंध्या, हाँ जी आ जाइए सब लोग, जल्दी जल्दी से आ जाओ बच्चे लोगों, जल्दी से आ जाइए। श्रद्धा बच्चे कैसी है अभी तुम्हारी तबीयत, कैसी हालचाल, कैसी हो? गुड इवनिंग मंदिरा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, आ जाओ सब लोग जल्दी जल्दी से। हाँ जी जल्दी से आ जाइए जी, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, फटाफट से बच्चों बात को शुरू करेंगे हम लोग। हमारे जनवरी वाले स्टूडेंट खास करके हमारे साथ में जुड़े हैं बच्चों, बस इन प्लेटफॉर्म्स पर अब कुछ ही दिन हम लोग साथ में हैं, कुछ ही दिन हम लोग साथ में बच्चों, क्योंकि आप लोगों के आने वाले हैं एग्जाम्स। जी हाँ बिल्कुल, देखिए फर्स्ट ग्रुप वालों के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, सेकेंड ग्रुप वालों के एग्जाम फरवरी के अंदर शुरू हो जाएंगे, यानी कि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अब हमारी मुलाकातें कम होती जाएंगी। श्रद्धा सर आज आपके लेक्चर की बहुत नीड है, माइंड फ्रेश हो रहा है पूरा दिन आज का। ओके ओके ओके, आ जाओ जी आ जाओ श्रद्धा, बिल्कुल आ जाओ भाई, एकदम माइंड फ्रेश हो जाएगा, बढ़िया सबसे मुलाकात करो। यस सरफराज गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, हेलो जी हेलो, सब लोग आ जाओ बच्चे लोगों, जल्दी जल्दी से सब लोग आ जाए। कैसे हैं सब लोग? हाँ जी कैसे हैं सब लोग? हेलो जी, मोटिवेशनल वीडियो, क्या बात है, क्या बात है भाई, इस वक्त हमारी श्रद्धा को बहुत मोटिवेशन की जरूरत है। गुड इवनिंग बराबर, क्योंकि थोड़ा सा आज घबराई हुई सी है, डर गई है, छोटा सा एक्सीडेंट साथ में हुआ है, लेकिन जिस तरीके से हुआ है तो बिल्कुल कोई भी होता तो घबराता ही, लेकिन श्रद्धा हमारी एकदम मजबूत बच्ची है और आज बैच में इसीलिए हमारे साथ में है। तो सब लोग सबसे पहले तो, सबसे पहले तो भाई श्रद्धा को विश कर दो एकदम से अच्छे से, उसकी अच्छी तबीयत के लिए, कि एकदम मजबूती के साथ में अच्छे अच्छे से वो रहे, ऐसा ऐसा मैं चाह रहा हूं कि सब लोग जो है वो विश कर दो। हाँ जी छोटा सा एक्सीडेंट था, छोटा सा एक्सीडेंट था, लेकिन वो ठीक है। हाँ जी यस मस्त सर, बिल्कुल मैं भी मस्त, एकदम जबरदस्त, बिल्कुल बढ़िया, शानदार, एकदम सब बढ़िया है, बच्चे लोग बढ़िया है, तो उनके साथ हम भी एकदम है बढ़िया। हाँ जी आ जाइए बच्चे लोगों, जल्दी जल्दी से सब लोग जुड़ते जाइए, ताकि हम लोग आज का हमारा काम जो है स्टार्ट करेंगे। यस पलक गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड वाला इवनिंग बच्चे लोगों सबको है, गुड इवनिंग, आ जाइए। हाँ जी आ जाइए सब लोग, एकदम फटाफट से आ जाइए। तो बच्चे लोगों आप लोग हमारे साथ में मिलते हैं यहाँ पे भी, हमारे प्लस कोर्स में भी, जैसा आप लोग जानते हो, और प्लस कोर्स बच्चों वहां पे आप लोग जानते हैं कि सब्सक्राइब करना पड़ता है आपको, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, और उसके लिए हमारे नाम का इस्तेमाल आपको दिलाता है 10% का डिस्काउंट भी। हाँ जी चलिए श्रद्धा थोड़ी ठीक है भाई, आज बिल्कुल श्रद्धा के हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ताकि उसका मस्त मूड भी रहे, अच्छे अच्छे से वो बिल्कुल ध्यान डाइवर्ट हो जाए, और इधर खूब सारी पढ़ाई भी वो हमारे साथ में, पढ़ाई तो क्या करनी है बराबर, वो एग्जाम दे चुकी है, लेकिन हमारे साथ में है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, आ जाओ बच्चे। हाँ जी चलिए जी, तो शुरू किया जाए आज का हमारा काम बच्चे लोगों, शुरू किया जाए आज का हमारा काम। कौन कौन और आया हमारे साथ में? साक्षी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग, हाँ जी यस, क्या बात है भाई, क्या बात है, आज हमारे बहुत पुराने पुराने स्टूडेंट जो हैं वो हमारे साथ में हैं, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा जी अच्छा, आ जाओ सब लोग जल्दी जल्दी से।
आ जाइए जी। सब लोग आ गए हैं भाई, सब लोग आ गए हैं, काम स्टार्ट करें आज का हम लोग। आ जाओ भाई, सब लोग जुड़ते जाओ, सब लोग जल्दी जल्दी से जुड़ते जाएंगे ताकि हम लोग स्टार्ट करें आज का हमारा काम। हाँ जी, मंदिर आ गया दी श्रद्धा, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना अपना, अच्छी तरह से ध्यान रखना। हाँ जी चलिए जी, तो आगे सब लोग शुरू करें, आगे की बात हम लोग शुरू कर दें, शुरू कर दें, शुरू कर दें। यस सर, शुरू कर दीजिए, बिल्कुल। चलो जी, तो हम करने जा रहे हैं शुरू बच्चों आगे के हमारे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए जी, तो आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, दीक्षा गुड इवनिंग, भूषण नमस्ते। ओ बच्चे आ रहे हैं अभी तो, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी से सब लोग आ जाओ, लाइक वाला बटन दबाते हुए सब लोग आ जाओ। थोड़ा सा मैं और वेट कर लेता हूँ बच्चे लोगों, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा इंतजार मैं और कर लेता हूं ताकि हम लोग साथ मिल करके हम अपने आगे के क्वेश्चंस को कर सकें। हाँ जी अरे भाई, ये क्या हो गया आज तो, अरे हमारे क्वेश्चंस कहाँ अटक गए, कमाल हो गया ये तो। यस बच्चे लोगों, आ जाओ सब लोग जल्दी से, मैं ट्राई करता हूं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करने की। भाई ये क्या हो गया आज, इसको आज हमारे क्वेश्चंस खुलने को तैयार नहीं है। अरे खुल जाओ भाई, हमको ऑडिट बेस्ड एमसीक्यूज करने हैं। और ये आप देखें, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है हैंग जैसा हो गया। अनिश गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी, गुड वाला इवनिंग है। आ जाओ जी, आ जाओ सब लोग, जल्दी जल्दी से आ जाओ बच्चे लोगों, जल्दी जल्दी से आ जाओ। मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर दिया जाए। हाँ जी आ जाइए सब लोग जल्दी जल्दी से बच्चे लोगों। चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी, आगे क्वेश्चंस आ गए, आगे वही क्वेश्चंस आ गए हमारे पास में, और सब लोग भी हमारे साथ में आकर के जुड़ चुके हैं, क्वेश्चंस भी मेरे साथ में आ चुके हैं। बच्चों कल हम लोगों ने 17 तक हमारे क्वेश्चंस कर लिए थे, काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, आप लोगों ने देखा, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को कर लिया, बहुत बेहतरीन तरीके से कर लिया बच्चे। हाँ जी, तो आइए बात को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, आइए बात को आगे बढ़ाते हैं, और हमारी बात कुछ ऐसे बढ़ती है आगे। क्या बात, रेशमा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। आ जाओ भाई सब लोग, आ जाओ सब लोग, आ जाओ सब लोग, आ जाइए। कल वाले क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे थे बच्चों, बहुत बड़े से क्वेश्चंस थे, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने उनको कर लिया, बगैर क्वेश्चंस को डिटेल पढ़े। तो इसीलिए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को देख करके घबरा मत जाना बिल्कुल भी। चलिए जी आ जाइए, शुरू करें बच्चे लोगों। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है। वीनस लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी का क्वेश्चन है। मुझे पहले तो आप बता दो कि वैसे तो क्वेश्चन इतना ही है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ूं या सीधा सीधा सा मेन क्वेश्चंस पर आ जाऊं बच्चों, मतलब केस पढ़ूं या मेन क्वेश्चंस पर आ जाऊं, ये जल्दी से बता दो। इसे जरूरत होगी तो ऊपर आएंगे, नहीं तो मेन क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। बताइए जी, बताइए आप क्या चाहते हैं, वैसा मैं यहां पे कर देता हूं। डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दूं या केस पढ़ूं पहले, बताओ, बताइए जी, बताइए जी, बताइए, जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या करना है अपने को, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। डायरेक्ट क्वेश्चन करो, डायरेक्ट क्वेश्चन करो, क्या बात है भाई, सबने कह दिया बराबर, दीक्षा ने भी कह दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दो, क्वेश्चंस करवा दो, साक्षी भी कह रही है डायरेक्ट क्वेश्चन कराओ सर। चलो जी सबने कहा, अमीशा, मंदिरा, क्या बात है, भूषण, सब कह रहे हैं क्वेश्चंस कराओ। चलो बच्चों, अनीश भी कह रहा है, यस बच्चे लोगों, डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आपको मैं लेके आ गया। बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट आंसर द फॉलोइंग फैक्ट, क्या है ये बाद में पढ़ेंगे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं। और बहुत सिंपल है, इन्होंने एक चीज बोली है जिसके लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने बोला जो ये सीए अपॉइंट हो रहे हैं, एएमआर एंड एसोसिएट शेल होल्ड ऑफिस एज ऑडिटर ऑफ वीनस लिमिटेड, यानी ये एक टर्म के लिए आएंगे, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम तक आएंगे, दो टर्म्स ऑफ फाइव कंसेक्यूटिव ईयर आएंगे, नन ऑफ द अबव आएगा। तो इसके लिए बच्चे अपने को क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्वेश्चन देखना पड़ेगा बच्चे, उसके बिना अपन नहीं लिख पाएंगे।
जहां जहां जरूरत होगी वहां क्वेश्चन को देख लेंगे। आइए क्या लिखा है, वीनस लिमिटेड इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 150 करोड़ ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर 1920 व्हिच इज द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ कंपनी आफ्टर रजिस्ट्रेशन। बच्चों यहां से अपनी मेन लाइन, एमआर एंड एसोसिएट्स आर अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ वीनस लिमिटेड। बच्चे ये फर्स्ट ऑडिटर की तरह से अपॉइंट हुए, अपने को इंफॉर्मेशन मिल गई जी, पहले पहले ऑडिटर है, फर्स्ट ऑडिटर है। जल्दी से 18.1 का आंसर मुझे बता दो जी, 18.1 का आंसर आप लोग ही बताओगे। हमारा फर्स्ट ऑडिटर है जी, अरे जी फर्स्ट ऑडिटर है, जल्दी से आंसर करिए, यस जल्दी से आंसर करो श्रद्धा, बच्चे आंसर बताओ, जल्दी से बताओ श्रद्धा, आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, सब लोग सब लोग सब लोग जल्दी से आंसर बताओ भाई, जल्दी से आंसर बताओ। हाँ जी भूषण ने कह दिया सर बी आंसर है, अमीषा भी कह रही है बी आंसर है, सब लोग एग्री कर रहे हैं, सब लोग एग्री कर रहे हैं क्या कि सर ये पर्सन एज फर्स्ट ऑडिटर आया है तो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम, और वहां जो सब्सिक्वेंट वाला आएगा वो दो टर्म पे जाएगा कंसेक्यूटिव ईयर्स की। सब लोग एग्री कर रहे हो ना, यस सर 100% एग्री कर रहे हैं सर, तो आप तो बी को टिक कर दो सर, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए जी आपके लिए मैंने बी को कर दिया करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास बच्चे लोगों, एकदम सही सही जवाब आप लोगों ने मुझे दिया है, बहुत बेहतरीन जबरदस्त बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने आगे बोला है बच्चों, व्हाट आर द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटेड टू ऑडिट कमिटी। इन्होंने बोला ऑडिट कमिटी के प्रोविजंस क्या है और वेदर वीनस लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी, कौन से सेक्शन में ऑडिट कमिटी के बारे में कहा गया है और क्या वीनस लिमिटेड को ऑडिट कमिटी बनानी है क्या, अब इसके लिए भी क्वेश्चन देखना पड़ेगा। लेकिन बच्चों बगैर ऊपर का डिटेल क्वेश्चन बताए अगर मैं आपको बता दूं क्या सेक्शन 167 है क्या, जल्दी बताओ भाई, वीनस पे ऑडिट कमिटी लगेगी नहीं लगेगी बात की बात है, वो तो अभी टर्न ओवर देख लेंगे। हाँ बिल्कुल सही है, दीक्षा और रेशमा ने लिखा 177 है सर, मतलब ये दो तो नहीं हो सकते। अब बच्चे ये दो ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा बताओ, हाँ या ना मुझे नहीं पता लेकिन आंसर आपको मिल गया, हाँ जी हाँ या ना मुझे नहीं पता लेकिन आंसर आपको मिल चुका है, आंसर मिल चुका है बच्चे। इंस्टीट्यूट ने बहुत सिंपल काम कर दिया यहाँ पे, कंफ्यूजन तब क्रिएट होता अगर यहां पे भी वो दे देते 177। यस हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यस आंसर बताओ जल्दी से, अरे आंसर बताओ आंसर बता दो, अब सीओडी भी आपको मैंने दिखा दिए, सीओडी भी मैंने आपको दिखा दिए सर, 100% सी आंसर करेक्ट है सर, सी आंसर करेक्ट है। हालांकि यस नो के बारे में अपने को नहीं पता लेकिन अपने को आंसर पता लग चुका है क्योंकि 177 सिर्फ इसमें आया है। मजा तब होता जब ये यहाँ पे भी 177 करते सी में भी और डी में भी, तो अपने को कुछ मजा आता कि यस सर जोरदार वाली बात है सर, एकदम मजेदार बात है सर ये तो अपने को देखना पड़ता क्वेश्चन को जाकर के। तो आंसर तो आपको मिल गया लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं बच्चे, देखना यहाँ पे, एक ऐसी कंपनी है जिसका टर्नओवर बच्चे 150 करोड़ का है, ये इंफॉर्मेशन है बच्चे, पब्लिक कंपनी 150 करोड़ का टर्नओवर है, जल्दी से बताओ ऑडिट कमिटी के प्रोविजंस लगेंगे क्या, बोलो 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 बोलो, पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा का है, मतलब 150 करोड़ का टर्नओवर है, क्या इस पर ऑडिट कमिटी के प्रोविजन लगेंगे, आंसर तो मिल गया अपने को। लेकिन कल को दो ऑप्शन ऐसे आ गए तो अपने को पता होना चाहिए, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी से बताओ 150 करोड़ के टर्नओवर पर ऑडिट कमिटी के प्रोविजंस लगते हैं क्या, हाँ जी बता देना जल्दी से, यस 10, 50 एंड 100 क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें भाई क्या क्या चीजें, यस 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 सर लगेगा सर लगेगा सर लगेगा, तो यहां से अपने को पता लग गया कि यस सर तब भी लगता, वैसे आंसर तो पता लग ही चुका था अपने को लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता तो अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर यस बिल्कुल सही। अब बच्चों अगला क्वेश्चन थोड़ा सा नजर आ गया था अपने को, तो मैं अगले क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ देता हूं बच्चे। इस फर्म के अंदर जो पार्टनर्स हैं 100 या मोर, बहुत सही साक्षी बिल्कुल सही, ऊपर भी आपने सही बताया भूषण ने भी। बच्चों देखिएगा, एमआर एंड एसोसिएट्स इज हैविंग पार्टनर मिस्टर ए है, मिस्टर एम है, मिस्टर आर है, तीन पार्टनर्स है बच्चों इस फर्म के, है ना, और तीनों के पास में जो ऑडिट है बच्चे वो 10, 15 और 20 है, बराबर। ये वीनस लिमिटेड की ज्वाइन करने के बाद में
वीनस लिमिटेड का ज्वाइन करने के बाद में दिया बच्चे 10, 15 और 20, बराबर। मेरे ख्याल से आप सबको पता है कि हर एक के हिस्से में 20 आती है, तो टोटल 60 ऑडिट वो लोग कर सकते हैं बच्चे। 60 में से ऑलरेडी कितनी ऑडिट उनके हाथ में और बची हुई कितनी कर सकते हैं, जल्दी से बता दो। हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्या किसी को याद है क्या? हाँ जी, ये प्रोविजन याद आ गया ना, टोटल 60 कर सकते हो तीनों की मिला करके। तो अभी ऑलरेडी एक ने 10, एक ने 15 और एक ने 20 कर रखी है, तो टोटल कितनी हेल्ड है और कितनी और एक्सेप्ट कर सकते हैं वो बच्चों मुझे बता दो, जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, कितनी ऑडिट ऑलरेडी कर रहे हैं और कितनी और कर सकते हैं, इसका क्या फंडा है बता दो। यस, बिल्कुल सही सर, 45 अभी ये लोग ऑलरेडी हेल्ड कर चुके हैं, 45, तो 15 अभी और कर सकते हैं सर, 15 ऑडिट अभी और की जा सकती है सर, बिल्कुल सही है। मैक्सिमम 20 किलोमीटर आप लोग जानते हो, है ना, तो 15 लेफ्ट है बच्चे, 15 अभी और की जा सकती है इनकी तरफ से। आइए मेरे ख्याल से अगला क्वेश्चन, ऐसे ही कुछ दिख रहा था मुझे इसलिए अपन ने यहां ले लिया। यस बिल्कुल सही, ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट रिमेनिंग इन द नेम ऑफ फर्म, बेटा फर्म के नाम से कितना लिया जा सकता है सर, 15 लिया जा सकता है सर, साफ साफ पता लग रहा है सर, डी नंबर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, आपको सामने दिखी गया बच्चे, डी नंबर आंसर इज करेक्ट, ये अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी, क्या कहते हो, क्या कहते हो, क्या कहते हो, बराबर है, एकदम सही, कोई टेंशन नहीं, एकदम फास्ट हो गया काम, बराबर आगे बढ़ जाओ। यस, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बच्चे, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट वाला आंसर है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चे, कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन हो गया, तो बहुत आसान से पड़ जाता है अपने लिए, इजीली अपन लोग कर सकते हैं। आओ अगले पे चलते हैं, इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी अंडर सेक्शन 143(31) द ऑडिटर हैज नो ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। बच्चे आप जानते हो कि ऑडिट रिपोर्ट में अपने को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पर रिपोर्ट करनी पड़ती है, लेकिन ये एक ऐसा सेक्शन है जो कहता है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पर एक प्राइवेट कंपनी को रिपोर्ट नहीं करती है अगर उसका टर्नओवर या बोरोइंग से एक सर्टेन अमाउंट से कम हो। ठीक है, तो वो लिमिट क्या है बच्चे टर्नओवर और बोरोइंग्स की, कि अगर इससे कम हुआ तो इसका मतलब आपको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पर रिपोर्ट नहीं करना है जी, नहीं करना है जी, नहीं करना है। क्या आपको लिमिट याद है क्या, किसी को कोई वो लिमिट मुझे सोच करके बता सकता है क्या? हाँ जी, किसी को ये वाली लिमिट याद है क्या? बोलो जी, बोलो। ये सेक्शन अपने पढ़ा हुआ है, स्टडी मैट से पढ़ा हुआ है बच्चों पूरा पूरा, है ना, कि वो प्राइवेट कंपनीज जिनका ये स्पेसिफिकली टर्नओवर हो या इतनी बोरिंग्स इतने से कम हो, मतलब लेस देन अगर इतना हो, तो उनको फिर क्या करना पड़ेगा कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पर रिपोर्ट नहीं देनी पड़ेगी। क्या वो किसी को याद है क्या, जल्दी से मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। हाँ जी, याद आया, भूल गए, यस मंदिरा ने आंसर दे दिया है, मंदिरा ने आंसर दिया है सर ए होना चाहिए सर, मंदिरा ने आंसर दिया है सर ए होना चाहिए। बोलो बच्चे लोगों क्या कहते हो सब लोग, दीक्षा ने भी बोल दिया यस, बच्चे लोगों एब्सोल्युटली करेक्ट है, ए नंबर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जिसको नहीं याद आया बच्चे जाकर के चेक करना, बराबर क्लियर बोल रखा है, 50 करोड़ एंड 25 करोड़ बच्चे बिल्कुल सही है, टर्नओवर जो है हमारा वो होना चाहिए 50 करोड़ से कम का, और जो बोरिंग्स हमारी है वो 25 करोड़ से कम की है, तो उनको इस प्रोविजन से एग्जम्पशन मिला हुआ है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ए इज आर करेक्ट आंसर बच्चों, बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलिए जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के आता हूँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके आता हूँ, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हैड वीनस लिमिटेड बीइंग अ गवर्नमेंट कंपनी, बच्चे समझना, अगर ये वीनस लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी होती तो व्हाट वुड हैव अपॉइंटेड द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। बच्चे तो फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता, जल्दी से सोच करके बता दो बच्चे। मेरे हिसाब से आपको लगता है कि बहुत ईजी आंसर है आप लोगों के लिए, और फिर इन्होंने एकदम सिंपल आंसर लिख के छोड़ दिया बच्चे, कंफ्यूज कर सकते थे लेकिन किया नहीं। बोलो बच्चों 18.5 का आंसर दो, अगर ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होती तो हमारी क्या सिचुएशन होती बच्चे, ये मुझे आप लोग बताओगे। और प्रैक्टिकली अगर बोलू तो ये कंफ्यूज कर सकते थे बच्चे, लेकिन इन्होंने कंफ्यूज आपको नहीं किया, इतना आसान आसान सा आपको आंसर दे दिया, तो जल्दी से मुझे बताओ आंसर क्या होना चाहिए। यस बच्चे लोगों, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, सबको बताया, फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट 60-30-60, है ना, 60-30-60 अपने को सबको बताया,
यस सीएजी करेगा सर 60 डेज में, नहीं तो बोर्ड करेगा 30 डेज में, नहीं तो शेयर होल्डर करेंगे 60 डेज के अंदर। अब एक्चुअल में इनको करना ये चाहिए था कि यहाँ पे भी इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह सीएजी दे देना चाहिए था, दो एक जगह सीएजी कर देते, सेक्शन अलग अलग कर देते तो मजा आता बच्चे। लेकिन इन्होंने बहुत सिंपल आप लोगों के लिए आंसर बना दिया, बी नंबर आंसर, खाली एक ही चीज के ऊपर आंसर पकड़ लिया आप लोगों ने, दो जगह सीएजी होता और सेक्शन अलग अलग होते तो मजा आता, कंफ्यूजन क्रिएट होता कि क्या सही है क्या गलत है कौन सा सेक्शन होता। पर चलो भाई अच्छा है, बढ़िया बढ़िया इजी क्वेश्चन आपको दे दिया और ये नंबर 18 नंबर क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का हो गया खत्म। ठीक है 18 नंबर क्वेश्चन खत्म, खत्म जी खत्म जी खत्म खत्म खत्म, ये रहे सारे आंसर। आ जाओ 19 पे आ जाओ 19 पे आ जाओ 19 पे आ जाओ। ठीक है अब बच्चों 19 पे भी कुछ पॉइंट्स इन्होंने क्वेश्चन के देके रखे हैं हमने को, ये रहे मैं आपको लेके आता हूं सीधा क्वेश्चंस के ऊपर यहां पे। ठीक है क्वेश्चंस के ऊपर लेके आ जाता हूं बराबर से। चलिए जी बिल्कुल सही इसका आंसर तो हो गया। एक मिनट ये अंश गुप्ता आंसर नंबर सी लिखा है इन्होंने, ये बेटा किसका आंसर नंबर सी लिख दिया तुमने ये जरूर बता देना मुझे, ये तुमने जो सी लिखा है अंश ये कौन से क्वेश्चन का आंसर तुमने सी लिख दिया है ये भी बताना, बहुत टाइम से इधर सी है ही नहीं। हाँ जी तो बच्चे अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 19 की और क्वेश्चन नंबर 19 में अभी मैं आपको सीधा क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूं, केस को जरूरत पड़ेगी तब पढ़ते जाएंगे। यस बच्चों 19.1 का आंसर दीजिए, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि मेरे सारे बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं। इज द समरी ऑफ बच्चे इज द समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर आइडेंटिफाई, हाँ जी आइडेंटिफाई ड्यूरिंग ऑडिट एंड वे दैट दे आर एड्रेस। गोपाल पूछ रहे हैं जनवरी 21 के लिए रिलेवेंट, बिल्कुल है गोपाल, जब कोर्स वही है क्वेश्चंस वही हैं तो ये जनवरी में नवंबर सबके लिए रिलेवेंट है बेटा, सबके लिए रिलेवेंट है। इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रिंट करवा के दे चुका है तो बहुत इजीली इसमें से आंसर बनाने की सोच लेगा वो, बराबर से है ना, मतलब क्वेश्चंस बनाने की सोच लेगा। मंदिरा ने ए आंसर दिया है बच्चे लोगों, सुन लो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, याद करो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है बच्चे। यस मंदिरा बच्चे गलती कैसे हो गई, कहीं रिकॉर्ड वर्ड आएगा यहाँ पे, रिकॉर्ड करना फाइल करना जैसा वर्ड नहीं आया मंदिरा बच्चे, तो ऑडिट फाइल अपने क्यों लिख दिया, याद करो इस चैप्टर को, मेरा एक सबसे फेवरेट पॉइंट है, मैंने जितनी क्लासेस में जब जब इंपॉर्टेंट बोला है ये पॉइंट मैंने आपको हर बार कराया है कि मेरा सुपर फेवरेट पॉइंट है। पलक बच्चे गलती कर गए हो, गलती कर गए बच्चे, गलती कर गए आप लोग, गलती कर गए, आंसर नंबर सी करेक्ट है बच्चे, इतना बड़ा गलती कैसे किया। यस अरे समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर कैसे भूल गए, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर बच्चे, समरी नोट्स बोले तो मेमोरेंडम, यस विच कंटेन स्मॉल एंड कंसाइज इंफॉर्मेशन ऑफ होल द ऑडिट बच्चे, सी नंबर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए। ए कहने वालों इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, ऑडिट फाइल किसको कहते हैं, गड़बड़ कर गए बच्चे, ऑडिट फाइल क्यों होगा, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, यस याद आया कंफ्यूज हो गए थे। यस बच्चे लोगों याद रखना है आपको, मेरी हर क्लास में आपको याद है ना मेरा फेवरेट पॉइंट है ये कंप्लीशन मेमोरेंडम वाला, आप लोग ही कहते हो सर ये आपका आ गया फेवरेट पॉइंट, तो देख लो अगला क्वेश्चन 100% सही होगा अगला क्वेश्चन बच्चे। सिर्फ एक हिंट दूंगा अगले क्वेश्चन में तुमको, सिर्फ एक हिंट दूंगा बच्चे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सिर्फ एक पॉइंट दूंगा बच्चे, हाँ जी यस, ये देखिए ससेप्टेबिलिटी आ गया बच्चे, साहिल आ गए हैं, साहिल कह रहे हैं सर जी ऑडिट के रिपोर्ट चैप्टर को पहले कर रहे हैं, कर सकते हैं क्या क्योंकि प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कंप्लीट हो गया है। हाँ बेटा जी ऑडिट रिपोर्ट वैसे पहले करना तो नहीं चाहिए, एंड में करना चाहिए, काफी सारी बातें उसमें दिक्कत वाली है बट कर सकते हो अगर तुमने चैप्टर नंबर थर्ड कर लिया है ना, अगर चैप्टर नंबर फर्स्ट कर लिया सेकंड कर लिया थर्ड गोइंग कंसर्न वगैरह अगर पढ़ लिए हैं तो बेटा बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कर लो। हाँ जी अरे क्या बात है क्या बात है क्या बात है, सबका आंसर सही आ गया सर, ससेप्टिबिलिटी वर्ड आते ही दिमाग की बत्ती जल जाती है सर कि इसका आंसर नंबर होना चाहिए सर बी होना चाहिए सर बी होना चाहिए सर बी होना चाहिए, इट इज अ मैटर ऑफ इनहेरेंट रिस्क 100% करेक्ट आंसर बच्चों, बिल्कुल सही सबको बताइए है ना, अपने हर बार किया ये वर्ड आते ही अपना आंसर सही होना चाहिए। चलो जी चलो जी चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। यस 19.3 का आंसर बच्चे आप लोगों को बताना है, स्टेटमेंट दे रखे हैं दो चेक करिएगा, ऑडिट प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड अदर, बच्चों ये तो सही लग रहा है सेंटेंस बोलो,
ऑडिट प्रोसीजर में दो तरह के प्रोसीजर होते हैं बच्चे, एक होता है रिस्क असेसमेंट और एक होता है अदर। वो चार्ट लाओ दिमाग के अंदर, चार्ट लाओ बच्चे, चार्ट दिमाग में लेके आओ, ये अपने को ध्यान में रखना है। अंकित पूछ रहे हैं सर ऑडिट के एमसीक्यू है और आगे क्वेश्चन मार्क आपने लगाया है बच्चे, बट ऑब्वियस है जिस चैनल पे आप हो बेटा, जिस क्लास में इस वक्त आप हो अंकित, वो हमारी ऑडिट की क्लास है भाई, ऑडिट की क्लास है तो ऑडिट के ही एमसीक्यू है। हाँ जी, तो बच्चे फर्स्ट वाला सेंटेंस करेक्ट है, बोलो दो तरह के प्रोसीजर होते हैं कि नहीं होते हैं। और आगे इन्होंने बोला सर सब्सटेंटिव प्रोसीजर के भी दो पार्ट होते हैं, सब्सटेंटिव के भी दो पार्ट होते हैं। हाँ जी यस, अमीशा कह रही है मेरा ऑटो करेक्ट भी आप ससेप्टिबिलिटी लिखते ही आईआर बोलता है, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। यस बच्चे सब्सटेंटिव प्रोसीजर के आगे दो पार्ट होते हैं, एक हमारा होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सॉरी टेस्ट ऑफ डिटेल और दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर। सर बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट सर, बोथ करेक्ट है सर, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट कर दो सर, दोनों ही करेक्ट जा रहे हैं, सी नंबर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। इजी क्वेश्चन, ऊपर अभी तक अपने पढ़ा नहीं है उन्होंने क्या बोला था, चलो पढ़ेंगे बच्चे। इसका आंसर भी बता सकते हो, अरे 100% इसका आंसर आप लोग दे सकते हो मुझे, बोलो बच्चों बोलो। 19.4 हाँ जी, ओके 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 ओके। अंकित कह रहे हैं ओके सर मैंने ऑडिट नहीं किया, अच्छा 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 ऑडिट आपने अभी सब्जेक्ट किया नहीं है, ओके कब है टाइम आपका, बिल्कुल करिए ऑडिट भी। यस बच्चे रेफर टू द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड एनवायरमेंट, याद करो इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, और यहाँ पे दे दिया एक्सेस द रिस्क ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बच्चे क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर दे दिया, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दे दिया। भूषण ने आंसर बता दिया है 19.4 का, यस सर बी आंसर होगा सर, बी आंसर होगा सर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन बच्चे, ऊपर अभी तक अपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऊपर केस में क्या था अपने पढ़ा ही नहीं। अंकित कह रहे हैं May 21 है, तो अंकित May 21 के लिए भाई सही समय है, अभी जल्दी से आप ऑडिट को चालू करिए, ऑडिट को पढ़ना स्टार्ट करो भाई। जनवरी लगभग निकल चुका है, फरवरी मार्च अप्रैल बहुत कम टाइम बचा है बच्चे आपके पास में, तो ऑडिट पढ़ना चाहिए था जल्दी जल्दी से। हाँ जी बी नंबर आंसर 100% करेक्ट बच्चों, रिस्क असेसमेंट का डेफिनेशन है, अभी तक अपने क्वेश्चन ऊपर जाके पढ़ा ही नहीं है कि क्वेश्चन में था क्या। आओ बच्चों 19.5 को भी चेक कर दे, दो स्टेटमेंट फिर से यहां पे दिए, सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन कैन प्रोवाइड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस एट द असर्शन लेवल, बोलो बच्चों क्या कहते हो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन कैन प्रोवाइड, क्या सब्सटेंटिव वाला अकेला प्रोवाइड कर देगा क्या, वो भी असर्शन लेवल के ऊपर, बोलो बोलो बोलो। पहला सेंटेंस करेक्ट है इनकरेक्ट, फर्स्ट सेंटेंस बच्चे करेक्ट है इनकरेक्ट है मुझे जल्दी से बता देना, करेक्ट है इनकरेक्ट है जल्दी से बता देना बच्चे, जल्दी से मुझे बता देना करेक्ट और इनकरेक्ट, फर्स्ट वाला ए वाला ए वाला ए वाला मतलब स्टेटमेंट नंबर वन। यस सर भूषण ने लिख दिया नो सर गलत है सर, सर ये इनकरेक्ट है सर, ये सेंटेंस सही नहीं है सर, इनकरेक्ट सेंटेंस जाएगा सर, बोलो बच्चों सबने ये सेंटेंस पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी तरह से, यस बिल्कुल सही नो में जाएगा। अब बच्चे स्टेटमेंट नंबर टू, टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू इवेल्यूएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल इन प्रिवेंशन डिटेक्शन एंड करेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल, बच्चों क्या ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल की डेफिनेशन है क्या, याद करो टेस्ट ऑफ कंट्रोल चैप्टर नंबर थर्ड में डेफिनेशन दे रखी है, ऑडिट प्रोसीजर इज ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू इवेल्यूएट, जिसमें हम इवेल्यूएट करते हैं ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, यस हाँ जी हाँ जी हाँ जी एट द असर्शन लेवल, बोलो बोलो बोलो। सेकंड वाला सेकंड वाला सेकंड वाला अमीशा कह रही है सर 19.5 का बी हो जाएगा क्योंकि सेकंड इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट बच्चे, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है बच्चे, करेक्ट वाला सेंटेंस जाएगा, ध्यान रखिएगा ये वाला सेंटेंस करेक्ट है, करेक्ट है जी करेक्ट है जी करेक्ट है 100% करेक्ट है। स्टेटमेंट भी बच्चे टेस्ट ऑफ कंट्रोल की डेफिनेशन यही है बच्चे कि जहां इंटरनल कंट्रोल के इफेक्टिवनेस को आप चेक करते हो कितना प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट कर पा रहा है, एब्सोल्युटली राइट डेफिनेशन है। सो हमारा आंसर चला जाएगा ओनली स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, यानी कि बी आंसर चला गया बच्चे, ओनली स्टेटमेंट बी हमारा करेक्ट है। ये लो आपने क्वेश्चन नंबर 19 भी धड़ाधड़ से कर लिया जबकि ऊपर अभी हमने केस तो पढ़ा ही नहीं, यस बच्चे केस तो भी पढ़ा ही नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अरे जी केस तो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है, देख लीजिए और सीधा सीधा सा, हाँ जी हमने सीधा सीधे से क्वेश्चंस कर लिए, देखो जबरदस्त वाले क्वेश्चन कर लिए। आइए जी आइए जी आइए जी आइए, अब बढ़ गए आगे, अगला क्वेश्चन बच्चे 20 वाला,
तो 20 वाला भी मैं सीधा आपको क्वेश्चंस पे लेके चलता हूँ, जरूरत होगी तब पढ़ लेंगे भाई, जरूरत होगी तब पढ़ लेंगे, है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो जी चलो 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 चलो, सीधा क्वेश्चन 20, और जरूरत पड़ेगी तो ऊपर चलेंगे, नहीं तो सीधा सीधा यहां से अपन काम करना शुरू कर रहे हैं बच्चे लोगों, फटाफट से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई, जो भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। लाइक का बटन अगर प्रेस नहीं किया हो तो भाई लाइक का बटन जरूर अपने को प्रेस करना चाहिए। अब नर्व्स पकड़ ली हमने, आईसीए की केस देखना ही नहीं है, क्या बात है अनीशा, क्या बात है, बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही। आओ पढ़ते हैं स्टेटमेंट नंबर वन। इन्होंने बोला बच्चे, ऑल्दो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नेसेसरी ऑडिट एविडेंसेस बट दे डू नॉट प्रोवाइड सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑन देयर ओन मैटर विच दे डील। बच्चों एसए नंबर 580, बोलो बोलो बोलो, क्या ये सही है कि गलत है? सही के गलत, सही के गलत, सही के गलत, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कि ये सही है या ये गलत है। हाँ जी, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमारा जो है बच्चे वो प्रोवाइड करता है नेसेसरी ऑडिट एविडेंसेस बट दे डू नॉट प्रोवाइड सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट। करेक्ट है सर, करेक्ट है सर, खुद से नहीं होता, सपोर्टिव होता है, कोऑपरेटिव होता है, लेकिन अपने आप में ये सिर्फ एविडेंस नहीं होता बच्चे। तो दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला वाला पढ़ो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता है, बराबर। उसके अलावा हाँ, श्रेयांश कह रहे हैं सो इट इज नॉट नेसेसरी टू रीड द केसेस, कैन वी इग्नोर देम इन एग्जाम। श्रेयांश बिल्कुल आप कर सकते हो, शेयस हाँ शेयस आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जहां क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको जरूरत पड़ेगी वहां जाकर के ऊपर आपको देखना पड़ेगा, बस उतना ही देखो, बाकी अपन इग्नोर कर सकते हैं, कर सकते हैं, हम कर ही रहे, देखो बस जहां कोई पॉइंट ऐसा आया वहां जाके अपने को पढ़ना पड़ेगा। यस बच्चे, दूसरा सेंटेंस भी करेक्ट है सर, क्योंकि ये सारी चीजें असम्पशंस में आ जाती हैं, यहां पर अलग से उनसे कोई रिप्रेजेंटेशन लेते हैं बच्चे, तो दूसरा भी सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट बच्चों, सी नंबर आंसर हमारा हो गया, 20 के फर्स्ट का सी नंबर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बोलो बच्चों सही है, एकदम फर्स्ट क्लास, आगे बढ़ जाओ, चलो 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 चलो। द ऑडिटर कैन परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई लिटिगेशन एंड क्लेम ऑफ मार्क्स लिमिटेड। बच्चों वैसे तो मार्क्स लिमिटेड ऊपर कंपनी दे रखी है, लेकिन अपने को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आता है कि अगर लिटिगेशन और क्लेम पता करने हो तो क्या क्या प्रोसीजर काम में लेने चाहिए। याद करो अगेन मेरा फेवरेट क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन बच्चों, अगेन मेरा फेवरेट वाला क्वेश्चन है, आपको मैंने कई बार इस क्वेश्चन को करवाया है। देखिए क्या लिखा है बच्चों, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूडिंग इन हाउस लीगल वाले से इंक्वायरी करना, लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट को बच्चे रिव्यू करना, लीगल एक्सपेंसेस को रिव्यू करना, यस बच्चे 501 के अंदर है। फिर रिव्यू करना मिनट्स ऑफ द मीटिंग को और कॉरेस्पॉन्डेंस देखना एक्सटर्नल वाले के साथ में, ऑल ऑफ द अबव, जल्दी बता दो बच्चों, ऑल होगा इसका, भूषण ने पहले ही कह दिया, यस बच्चे लोगों डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का, ऐसे 501 पे हमारा आंसर जाता है। यस 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 यस, डीआईडी वाला पॉइंट है बच्चे अपने, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, सबका आंसर सुपर है बच्चे। आज भी इस क्वेश्चन में भी ऊपर अपन ने केस को नहीं पढ़ा है, बराबर, इसमें भी हमने अभी तक केस को नहीं पढ़ा जी, केस को नहीं पढ़ा, डायरेक्ट हम लोग आंसर देते जा रहे हैं बच्चे, और अगले क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग डायरेक्टली दे दोगे। बोलो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर, यस 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 यस, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, सब लोग एकदम बढ़िया बता रहे हैं, बहुत फर्स्ट क्लास बता रहे हैं बच्चे लोगों। देखो अगेन सिंपल क्वेश्चन, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में हम थर्ड पार्टी से क्या चाहते हैं बच्चे, ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। नेगेटिव में हम कब चाहते हैं कि पार्टी कब रेस्पॉन्ड करे, नेगेटिव कंफर्मेशन में हम कब चाहते हैं कि पार्टी किन केसेस में रेस्पॉन्ड करे, नेगेटिव कंफर्मेशन में बच्चे कब रेस्पॉन्ड करना चाहिए, जल्दी से आंसर बता दो 20.3 का। आप लोग ही बताओगे, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि आप लोग इसका आंसर बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हो बच्चे, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हाँ जी यस सर, डिसएग्री सर, बिल्कुल सही बच्चे, बी नंबर आंसर आप लोगों ने दे दिया सबने, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन, बी नंबर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है, मजा आ गया ना, कल कितने बड़े बड़े क्वेश्चन थे लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, आज भी वही चीज है बच्चों, 100% सही। अगला वाला भी देखो आपको बहुत मजा आएगा करने का, एकदम सिंपल है। आइए देखिए अगला वाला, दो स्टेटमेंट है बच्चे इसी के हैं, ऐसे 505 के ही हैं, ऐसे 505 के दो है बच्चों। अ फेलियर ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी टू रेस्पॉन्ड, अगर कंफर्मिंग पार्टी रेस्पॉन्ड नहीं करती है या
फुल्ली रेस्पॉन्ड नहीं करती है या हमारा रिटर्न अनडिलीवर आ जाता है बच्चे, तो उसको हम लोग नॉन रेस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। बोलो बोलो बोलो, चार डेफिनेशन दे रखी है ऐसे के शुरुआत में, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन रेस्पॉन्स और एक्सेप्शन। बोलो क्या ये नॉन रेस्पॉन्स की डेफिनेशन है, क्या करेक्ट या इनकरेक्ट बताना। यस बच्चे, करेक्ट या इनकरेक्ट मुझे जल्दी से बता देना, करेक्ट या इनकरेक्ट मुझे जल्दी से बता देना जी, जल्दी जल्दी से बता दो। दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट भाई, करेक्ट और इनकरेक्ट जल्दी से बताओ। यस बिल्कुल सही है, करेक्ट है बच्चे, एब्सोल्युटली करेक्ट है, करेक्ट है जी, करेक्ट है, बिल्कुल सही वाली डेफिनेशन है। दूसरी भी बता दो, दूसरी भी बता दो, बोथ करेक्ट। यस यहाँ पे दीक्षा कह रही है सर दोनों ही करेक्ट है। और रेस्पॉन्स जो इंडिकेट करता है डिफरेंस बिटवीन जो हमने इंफॉर्मेशन मंगवाई थी और जो यहां से एंटीटी ने कंफर्म किए बच्चे, वो एक्सेप्शन के नाम से जानी जाती है। बोथ आर करेक्ट बच्चे, अगर बोथ आर करेक्ट है तो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा सी, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट। क्या कहते हो, सही है, बोथ दी स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली करेक्ट। यस सी नंबर आंसर इज करेक्ट बच्चे, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आगे देखो, आगे देखो। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट सो फार द रिलेटेड पार्टी। बच्चे रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड इसमें इनकरेक्ट कौन सा है आपको बताना है, कौन सा रिलेटेड पार्टी, ऐसे कौन सा है बच्चे रिलेटेड पार्टी का, जल्दी से बताओ। ऐसे नंबर क्या 550 काम करता है क्या रिलेटेड पार्टी के लिए, मुझे बताना जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसके लिए ऐसे क्या 550 काम करता है क्या रिलेटेड पार्टीज के लिए, रिलेटेड पार्टीज का ऐसे कौन सा है जल्दी से बताओ जी, बताओ जी, बताओ जी, बताओ जी, इसके लिए कौन सा ऐसे काम करता है बच्चों, कौन सा ऐसे काम करता है। 550 है क्या, हाँ जी बता दीजिए जी, बता दीजिए, वेट कर रहे हैं हम भाई, बता दीजिए। यस 550 550 550 550 550, बहुत बढ़िया। चलिए अब बच्चों बताना करेक्ट या इनकरेक्ट, करेक्ट या इनकरेक्ट बताना, बिल्कुल सही 550 100% करेक्ट, बहुत बढ़िया बच्चे आंसर बताना। मैनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कई सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो कंपनी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में करती है, करती है भाई, आर्म लेंथ के ऊपर पड़ा हुआ है आप लोगों ने। करेक्ट या इनकरेक्ट जल्दी से बताओ, करेक्ट या इनकरेक्ट। यस समीशा कह रही है तीनों ठीक लग रहे हैं, पहले फर्स्ट का बताओ बच्चे, फर्स्ट का बताओ जल्दी से। यस सर पहले वाला एब्सोल्युटली करेक्ट लग रहा है, ठीक है ना। दूसरा बच्चों, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मे नॉट बी कंडक्टेड अंडर नॉर्मल मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन। ये भी हो सकता है कि कुछ बदमाशी कर ली हो, स्पेशल वाली चीज हो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को नॉर्मल प्राइस पे आपने किए नहीं है, यही तो हमारी रिस्क थी, यही हमारी टेंशन थी, तो बच्चे ये भी करेक्ट है। तीसरा कहता है कुछ केसेस के अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन काफी हायर रिस्क ऑफ MMS क्रिएट कर देते हैं बच्चे, ये भी करेक्ट जा रहा है। मतलब तीनों सेंटेंसेस हमारे करेक्ट है, इसका मतलब इसमें से इनकरेक्ट कुछ भी नहीं है। सो आंसर नंबर डी, यानी कि नन ऑफ द अबव इज हमारा आंसर बच्चे, डी नंबर आंसर बन जाएगा। अरे डी बन जा भाई, डी नंबर इज करेक्ट आंसर बच्चों, डी नंबर इज करेक्ट आंसर, डी नंबर इज करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव, तीनों सेंटेंसेस करेक्ट है बच्चे, इनकरेक्ट कुछ भी नहीं है। हाँ जी इनकरेक्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। बोलो बच्चों क्या कहते हो, सब सही है, सब सही है, सब सही है, बराबर। तो नन ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर बच्चों। एक और क्वेश्चन हमने कर लिया बगैर केस को पढ़े, हमारा एक और क्वेश्चन यहाँ पे निपट चुका है बच्चों, बगैर केस को पढ़े एक और क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। और हमारे साथ में हमारा काला टीका भी आ चुका है भाई, क्या बात है भाई, एक काला टीका हमारे साथ में हमेशा होता है ताकि हमारी क्लास को नजर न लगे, तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं ऐसा काला टीका एक हमारे साथ में आ चुका है भाई, पधारिए। बहुत देर से आप क्लास में ही है ये मुझे पता है, बराबर से बहुत देर से है तो क्लास में, बस आप सोच लिया कि भाई क्लास खत्म होने वाली है, सब कुछ पढ़ लिया है, अब जाकर के जो है वो डिसलाइक वाला बटन दबा दिया जाए। चलो जी कोई बात नहीं, यस क्या बात है, मितिशा भी आई है। डी नंबर नन ऑफ द अबव, बिल्कुल सही आंसर बच्चे, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया। चलो जी ये भी निपट गया, अरे 20 भी हो गया आज तो लगातार बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आता हूं, अगला भी बच्चों बगैर पढ़ाए एक बार आपको सीधा 21 के क्वेश्चंस के ऊपर लेकर के आ रहा हूं, सीधा लेकर के आ रहा हूं। श्याम हेलो, हेलो श्याम, हेलो क्या हालचाल, क्या बात है भाई। या तो किसी ने गलती से उधर वाला लगा दिया था तो वापस क्लियर हो गया है, या उनको लगा होगा कि नहीं थोड़ी देर हटाने के बाद लगाया जाए, कोई बात नहीं भाई। श्याम हेलो बेटा, हेलो क्या हालचाल। यस बच्चों 21
सीधा लेके आ रहा हूं आपको क्वेश्चंस के ऊपर। केस जरूरत होगी तब जाकर के पढ़ेंगे बच्चे, केस की जरूरत होगी तब पढ़ेंगे, अभी अपन आगे पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए जी मेरे साथ में आ जाओ। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चे, अभिषेक कह रही है मुझे चिंता हो गई थी करण की, बट आ ही गए वो, यस वापस भी चले गए भाई, वापस चले गए हैं। हाँ अभी हट गई है, अभी मंदिरा अभी हटी है, जस्ट हटी है, हटी है भाई, अभी हटी है, हट गई है जी, हट गई है, हाँ जी हट गई है बिल्कुल। चलो 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 हाँ अभी आया था, आया था वापिस, हट गया बच्चे, आया था लेकिन हट गया, आया था लेकिन हट गया। चलो बच्चे लोगों ये वाला क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है बच्चे, चैप्टर नंबर 6 अपना जो है AES वाला जो क्वेश्चन है उसका है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चे, आप लोग इसको कर सकते हैं बगैर केस पढ़े भी कर सकते हैं। श्याम कह रहा आपका आशीर्वाद हमेशा साथ में, श्याम हमेशा साथ में, हमेशा साथ में, हमेशा साथ में है। मैं रोज एक चीज कहता हूं, क्यों है तुम्हें सितारों की चाहत जब सारा आसमां तुम्हारा है। हाँ जी ओके ओके, कह रहा है उन्होंने सुन लिया, वापिस आ गया भाई, देखो वापिस आ गया बच्चे, वापिस आ गया, यस वापिस आ गया, देखो देखो वो आ गया। हाँ जी क्यों है तुम्हें सितारों की चाहत जब सारा आसमां तुम्हारा है, गौर से देखो जमीन पे जरा, तुम्हारे हर कदमों पे साथ हमारा है। तो बिल्कुल बच्चे हम साथ हैं, आप लोगों के आशीर्वाद हमेशा साथ है, बराबर से जहां भी मिले, जिधर भी मिले, चाहे इस प्लेटफॉर्म पर मिले, चाहे किसी और जगह पे मिले, कहीं पर भी मिले बच्चों, आशीर्वाद हमारा बिल्कुल आप लोगों के साथ में है, बराबर। वैसे भी बस मेरे ख्याल से इस महीने ये बच्चे हमारे साथ में है, ठीक है, खाली ये वाला मंथ मैं बात कर रहा हूँ जनवरी वाले बच्चों के लिए, मई वाले तो हमारे साथ में है, जनवरी वाले बच्चे जो है क्योंकि उसके बाद में आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 का है, 21 वाला, सीधे सीधे आंसर से बच्चों आप लोगों के ऊपर ही डाल रहा हूं मैं ये, यस यस बिल्कुल सही है बच्चे, सीधे सीधे से आप लोगों के ऊपर ही मैं डाल रहा हूं इसके क्वेश्चंस, बस बिल्कुल सही है। डिपेंडेंट कंट्रोल बी नंबर आंसर बच्चे, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल हो जाएगा, इसका आंसर सीधा सीधा सा बी नंबर जाने वाला है। हाँ जी चलिए तो आते रहेंगे जाते रहेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन 21 आप लोगों के लिए दे रहा हूं मैं, सीधा आप लोग कर लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, 6 वाला जो आपका चैप्टर है उसके डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि जो मैं डिस्कस करूं या कुछ बताऊं आप लोगों को, बराबर ये आप लोग कर लेंगे बच्चे। 21 वाला पूरा क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई टेंशन इसके अंदर नहीं है। मैं आपको लेके आता हूं अगले बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के ऊपर बच्चों, इसके लिए अपने को क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, यस बच्चों ये आप कर लेंगे, 21 नंबर आप करने वाले हैं, 21 नंबर आप करने वाले हैं, मैं आपको 22 करवा रहा हूं अभी, और इसके लिए अपने को चीजें पढ़नी पड़ेंगी। यस सर हम तो हमेशा साथ रहेंगे, यस श्रद्धा बिल्कुल, तभी तो मैंने कहा ना कि भाई यहाँ साथ हो ना हो लेकिन हमारा साथ जो है वो बिल्कुल बना रहेगा जी, बना रहेगा जी, बिल्कुल 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 बना रहेगा। हाँ जी आइए बच्चे लोगों 22 पे लेके आ रहा हूँ, वो 6 चैप्टर का क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसमें कुछ खास बात है नहीं, समझने लायक कोई चीज होती नहीं उसके अंदर, तो डायरेक्ट लिखना होता है आप लोगों को। आइए अब बच्चों मैं ये जो 22 वाले क्वेश्चंस पर आपको लेके आया हूं, इसमें मुझे लगता है क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा आपने को, क्योंकि इन्होंने अलग अलग कुछ पार्ट इस बार दे दिए और इन्होंने बोल दिया सबसे पहले, ये देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके लिए एक बार, फिर देखता हूं ये ऊपर पढ़ना पड़ेगा कि नहीं। Which of the following statement is correct in respect of ABC Private Limited? Okay, इसका मतलब एक क्वेश्चन ABC पे है, अगला क्वेश्चन XYZ के ऊपर है, तो इसका मतलब हम लोगों को बच्चे क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। एकदम सही का श्रद्धा, हम लोग CA बनने के पहले भी बाद में भी रहेंगे सर के साथ, बिल्कुल मंदिरा बिल्कुल बच्चे बिल्कुल बिल्कुल एकदम बढ़िया बात कही है। आइए जी आइए 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 बच्चे, आप क्वेश्चन देखना पड़ेगा, इस बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा बच्चों, आओ जी जस्ट लाइक LIC, क्या बात है बच्चे। FCN कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ए पार्टनरशिप फॉर्म है, मिस एफ मिस सी और मिस्टर ए, देखो बच्चे तीन लोग पार्टनर है, मिस एफ है यहाँ पे, पार्टनर कौन कौन है जल्दी से चेक करो, मिस एफ है मिस सी और मिस्टर ए है, तो दिल्ली बेस्ड बच्चे पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनर ऑल्सो एंगेज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर भी लगे हुए हैं, परचेज सेल वगैरह भी करते हैं बच्चों लोगों के लिए, सीधी सीधी सी बात हो गई, अपने अपने को ध्यान में रखना है। आइए जी इन पास फ्यू वीक फ्यू कंपनीज उन्होंने फर्म को अप्रोच किया है, और अप्रोच करने के साथ में कुछ काम वाम इनके साथ में शुरू किया बच्चों इन्होंने, अब कंपनी वाइज कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, अलग अलग कंपनीज की ऑडिट कर रहे हैं, अब बच्चे इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे, पहला क्वेश्चन ABCL का पूछा था, आओ फटाफट से, बहुत मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, सबका ध्यान इधर, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आइए देखिए क्या लिखा है एबीसी के लिए, लिखा है कि एक पार्टनर जो है ना बच्चे मिस सी, ये तो देखो ऊपर पार्टनर है, ऊपर पार्टनर में तीन लोग है बच्चे, मिस एफ मिस सी और मिस्टर ए, तो एक पार्टनर जो मिस सी है वो 1000 रुपए के शेयर हेल्ड कर रही है बच्चे इस कंपनी के अंदर,
और उसके भाई ने 50,000 के शेयर हेल्ड किए। मैं तो सुनना, चार्टेड ने खुद ने 1,000 रुपए के शेयर हेल्ड किए हैं और उसके भाई ने 50,000 रुपीज के शेयर हेल्ड किए उस कंपनी में जिनकी ये ऑडिट कर रहे हैं। बराबर। अब देखो चार ऑप्शन आपको क्या दिए, आपको चार ऑप्शन दिए बच्चे, बच्चे लोगों फोर ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं, ध्यान से पढ़ना, बताना मुझे क्या होगा। द फर्म इज एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, क्या फर्म एलिजिबल है? फर्म एलिजिबल नहीं है क्योंकि उसके भाई ने शेयर ले रखे हैं। फर्म एलिजिबल नहीं है क्योंकि मिस सी यानी पार्टनर ने, सीए ने खुद ने शेयर ले रखे हैं, या फर्म एलिजिबल है बच्चे क्योंकि ये बस आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी शेयर होल्डिंग। जल्दी से मुझे आंसर आप लोग ही बताओगे बच्चों, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने चैप्टर किया हुआ है, सबको आता है, तो जल्दी से बता दो। अगर डिसक्वालीफाई भी है तो रीजन बताओ भूषण, रीजन बताओ, रीजन बताओ, भाई के पास में 50,000 शेयर है या खुद सीए के पास में 1,000 शेयर है, कौन सा डिसक्वालिफिकेशन में जाएगा, जल्दी से बता दो। यस बच्चे, डिसक्वालिफिकेशन का रीजन बताओ। अरे रीजन चाहिए मुझे, रीजन चाहिए, रीजन चाहिए। हाँ जी, क्यों डिसक्वालीफाई है? यस, सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बच्चे लोगों बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। देखिए भाई के पास तो 1,00,000 रुपए तक का मार्केट वैल्यू पे एग्जम्प्ट होता, लेकिन खुद चार्टेड के पास 1 रुपए का भी शेयर अगर है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बहुत सही, बेहतरीन, बिल्कुल सही, सी नंबर आंसर इज करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन, अगले में बच्चों एक्स वाई जेड प्राइवेट के लिए क्वेश्चन पूछ लिया है। ये देखो अगले जो क्वेश्चन पूछा है वो एक्स वाई जेड के लिए है, तो एक्स वाई जेड की इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी जी, एक्स वाई जेड की इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी। हाँ जी, पार्टनर के पास में शेयर है इसलिए डिस्क्वालीफाई हो गया। अब बच्चों एक्स वाई जेड की मुझे लिमिट पढ़नी पड़ेगी, ये देखिए यहां दे रखी है एक्स वाई जेड के बारे में, ये भी पढ़ना पड़ेगा। खुद के पास शेयर, बिल्कुल सही, हाँ जी, आइए देखते हैं। अब इसको पढ़ते हैं बच्चे, दूसरी वाली कंपनी को पढ़ते हैं। मिस्टर एस फादर, मिस्टर ए कौन है बच्चे? फर्म का पार्टनर है, ये देखो फर्म का पार्टनर है, फर्म का पार्टनर है, मिस्टर ए भी पार्टनर है बच्चे, ये मिस्टर ए जो है वो भी पार्टनर है। ठीक है भाई, सर तो क्या है इस क्वेश्चन में बताओ। जो पार्टनर है बेटा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके फादर के पास में 90,000 के शेयर है बच्चे, 90,000 के शेयर है, और ये जो मिस्टर ए है इसने खुद ने गुड्स परचेस कर रखे हैं 20,000 रुपए के। बच्चे गुड्स परचेस किए इसने कंपनी एक्स वाई जेड से 20,000 के, और पप्पा के पास इसके 90,000 के शेयर हैं। बोलो फर्म डिस्क्वालीफाई होगी कि नहीं होगी, पहले तो सोच लो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने, समझ में आया, इंफॉर्मेशन मिली आपको। जो पार्टनर है बच्चा, जो सीए है, उसके फादर के पास में 90,000 के शेयर है, खुद के 20,000 रुपए का इसने माल खरीदा है बच्चे, गुड्स परचेस किए हैं 20,000 रुपए के, इन इस पर्सनल कैपेसिटी उसने 20,000 रुपए के गुड्स परचेस किए हैं। ए ओज द कंपनी, बराबर, उधार पे गुड्स लिए बच्चे, 20,000 रुपए के उधार में गुड्स परचेस किए हैं। अब आपको मैं सेकंड क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं बच्चे, 22 का सेकंड पार्ट मुझे बताना बच्चे। द फर्म इज नॉट एलिजिबल, द फर्म इज एलिजिबल, द फर्म इज नॉट एलिजिबल, क्योंकि पप्पा के पास में शेयर होल्डिंग है, फर्म एलिजिबल है टू बी अपॉइंटेड, बस वो पैसा चुकाना पड़ेगा बच्चे, पैसा चुकाना पड़ेगा। यस, बोलो बोलो बोलो, यस पलक कह दिए सर, नॉट डिस्क्वालिफाइड है, मतलब क्या ये फर्म एलिजिबल है? बोलो जी, फर्म एलिजिबल है क्या? यस सर, एलिजिबल है सर, बिल्कुल क्वालिफाइड है सर, क्वालिफाइड है सर। 5 लाख से कम का इंडेबटनेस हो तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगती है श्रद्धा, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट, बिल्कुल सही, बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा बच्चों। फर्म हमारी एलिजिबल है भाई, फर्म बिल्कुल एलिजिबल है, अपॉइंट हो सकती है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। बी इज करेक्ट आंसर। हाँ जी, यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है अमीशा, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चलो 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 अगले पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में भी बच्चों एक और कंपनी के बारे में बोल दिया, पीक्यूआर के बारे में बताओ। पीक्यूआर, पीक्यूआर पढ़ना पड़ेगा बच्चे, पीक्यूआर, बोलो बोलो बोलो, पीक्यूआर, आ जाओ पीक्यूआर पढ़ते हैं। अब एक और पार्टनर है बच्चे, मिस एफ, एक और पार्टनर थी, तीन पार्टनर थे ना, तो मिस एफ हैज बीन एडवाइजिंग द कंपनी फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर पास्ट कपल ऑफ ईयर। बच्चों सुनना, एक पार्टनर जो है वो पिछले काफी टाइम से उस कंपनी को इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए एडवाइस करती है, यानी इन्वेस्टमेंट का काम भी कर रही है ये कंपनी, इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी भी है, एडवाइजरी है ना इनकी जो फर्म है।
उसके अलावा मिस सी जो पार्टनर है दूसरी, वो इनडेफिनेट है बच्चों, 1 लाख से। दो चीजें आपको दी पीक्यूआर में, दो प्रॉब्लम है बच्चे। एक पार्टनर तो उसको इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, एक पार्टनर का इनडेफिनेट से 1 लाख रुपए का। तो इस केस में क्या होना चाहिए, आइए तीनों पॉइंट्स देख लेते हैं भाई क्या होना चाहिए। नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ पीक्यूआर बच्चे, क्या आपको दिया, सबसे पहला दिया फर्म यहां पे एलिजिबल है, दूसरे नंबर पे आपको बोला है फर्म इज नॉट एलिजिबल क्योंकि इनडेफिनेट है, तीसरे में बोला है फर्म एलिजिबल नहीं है क्योंकि एडवाइजरी के अंदर वो इंक्लूड हो गया है, यस प्रोहिबिटेड सर्विसेज के अंदर इंक्लूड हो गया है। ये सी के अंदर आंसर दिया कि फर्म एलिजिबल नहीं है, और डी के अंदर आंसर दिया है बच्चे कि फर्म इज एलिजिबल है क्योंकि उसने इनडेफिनेट को डिस्क्लोज कर दिया है, इट विल हैव, इसलिए हो जाएगा। तो बच्चे बताओ क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा। यस हाँ जी, सी नंबर आंसर इज करेक्ट बच्चे लोगों, एब्सोल्युटली सही है आप लोग, सी नंबर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, फर्म एलिजिबल नहीं होगी, नहीं होगी जी, क्योंकि वो एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जो 144 के अंदर प्रोहिबिटेड है। बहुत सही बच्चों, बहुत सही। आइए लास्ट दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, डायरेक्ट बता दो बच्चे, डायरेक्ट बता दो, डायरेक्ट बता दो जी, डायरेक्ट क्वेश्चन है, अब आगे क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्हाइल कंसीडरिंग थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर होल्डिंग एनी इंटरेस्ट और सिक्योरिटी इन द कंपनी फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ बिकमिंग एन ऑडिटर, कौन सी वैल्यू देखते हैं बच्चे, शेयर्स की कौन सी वैल्यू देखी जाती है जब डिस्क्वालिफिकेशन चेक करते हैं, मार्केट प्राइस, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, या इनमें से जो भी हायर हो, जल्दी से बता दो कौन सी वैल्यू देखते हैं। ये आंसर तो सबको आता है बच्चों, सबको आता है जी, सबको आता है। भूषण ने लिख दिया सर फेस वैल्यू, सर बी नंबर आंसर करेक्ट कर दो सर, फेस वैल्यू। बोलो बोलो बच्चों, डायरेक्ट आंसर है, हाँ जी डायरेक्ट वाला आंसर है, यस 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 यस, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अगला वाला क्वेश्चन बच्चों, इन केस ऑफ शेयर होल्डिंग अगर रिलेटिव जो है वो थ्रेशोल्ड 1 लाख से ज्यादा ले लेता है तो कितने दिन में करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा जी, कितने दिन में करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, जल्दी से बता दो कितने दिन में करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। फेस वैल्यू इज करेक्ट आंसर, करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा सर 60 दिन में लेना पड़ेगा सर, डी इज आर करेक्ट आंसर, डी इज आर करेक्ट आंसर बच्चों, 22 का हमारा डी हो गया करेक्ट वाला आंसर। चलिए बच्चे लोगों, तो काफी सारे क्वेश्चन आज हम लोगों ने कर लिए, 18, 19, 20, 21 आप लोगों को मैंने करने के लिए बोला है, 22 भी हमारा खत्म हो गया, और फटाफट वाले क्वेश्चंस थे बच्चे, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस। तो यहाँ आकर के आज का हमारा काम होता है बच्चों खत्म 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 जी हाँ, क्लास का समय लगभग समाप्ति की ओर आ चुका है बच्चों, क्लास हमारी यहाँ आकर के खत्म होने जा रही है, बराबर जी बराबर जी बराबर, क्लास खत्म होने हमारी जारी है जी। और क्लास के एंड में, यस बच्चों 60 डेज इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्लास के एंड में आप लोगों को बता दूं बच्चों कि कई सारी चीजें हमारी पड़ी हुई हैं, कहां पे पड़ी हुई है जी, कई सारी चीजें बच्चों हमारी पड़ी है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर, जहां बिल्कुल आप आ सकते हैं, और ये कोड आपको दो जगह काम करता है बच्चे, जो क्लासेस अनलॉक लॉक है उनको अनलॉक करने के लिए काम करता है बराबर, और उसके अलावा बच्चे ये काम करता है प्लस में, जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी दिलाता है बेटा। ऑडिट का मैराथन जल्दी ही आने वाला है भाई, ऐसा मैं अभी कह सकता हूं आपको कि जल्दी ही आने वाला है, जल्दी से प्लान करके आप लोगों को बता दिया जाएगा, फर्स्ट ग्रुप के एग्जाम खत्म होने के बाद आएगा बेटा, फर्स्ट ग्रुप के एग्जाम खत्म होने के बाद में आने वाला है जी, बाद में आने वाला है जी, बिल्कुल बाद में आने वाला है बराबर से, बाद में आएगा जी। चलिए बच्चे लोगों, तो अगेन आप सारे लोगों को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड स्प्रेड करो इसको ज्यादा से ज्यादा, ताकि सब लोगों को क्वेश्चंस का मिले बेनिफिट। यस बेटे, आज और कल 2 दिन हमारी स्पेशल क्लास नहीं है, लेकिन कल YouTube पे हम 2 बार मिल रहे हैं बच्चों, 8 से 9 तो मिल ही रहे हैं, फिर 9:30 बजे से 10:15 तक या 10 बजे तक हम फिर से मिल रहे हैं, जिसमें हम कुछ पास्ट ईयर के, खाली एक साल नहीं, कुछ पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको करने वाले हैं डिस्कस, ठीक है बच्चे लोगों। तो 2 दिन हमारी स्पेशल क्लास नहीं है YouTube फेस्टिवल में, कल हम लोग वहां क्लास लेंगे, 2 क्लासेस YouTube पे आएंगी बच्चे लोगों बराबर से। तो ये सारी बात थी बच्चे लोगों आप लोगों के साथ में, इसी के साथ आज का समय हमारा होता है समाप्त।